हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई रिएक्शन वीडियो लेके। ये जो मेरा रिएक्शन वीडियो है ये मौलाना तालिक जमील के एक बयान के ऊपर है। अभी रिसेंटली मैं उनके कुछ वीडियोस देख रही थी जो उन्होंने बयान दिए हैं, तो एक उनके यूट्यूब वीडियो का उन्होंने टाइटल दिया था ओ मेरा बंदा कहाँ जा रहे हो। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइटल लगा कि मतलब उन्होंने ये स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया है। तो अब देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद में हमें पता चलेगा कि उनका क्या पर्पस था ये टाइटल चूज करने का। तो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कुरान का लफ्ज सुनो, ये मैं अपनी तरफ से कुरान की ताबीर है, फ़ऐन तज़हबू, कहाँ जा रहे हैं? क्या मोहब्बत है इन अल्फाज, जैसे माँ आजिज आकर जब बच्चा नहीं समझता गलत राहों पे चलता है तो वो कहती क्या कर रहे हो। तो लफ्ज तो है क्या कर रहे हो, लेकिन इसमें जो ममता का दर्द होता है या बाप आजिज आकर कहता है बेटा क्या कर रहे हो, तो उसमें जो बाप की शफकत होती है कि आगे नुकसान देख रहा है कि ये मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा, तो उस वक्त बेबस होकर कहता है क्या कर रहे हो, किधर जा रहे। तो हम अल्फाज तो नकल कर सकते हैं लेकिन उनमें जो दर्द है वो तो नहीं ना, उसका तो तर्जुमा नहीं हो सकता, एहसासात का तर्जुमा नहीं हुआ करता, वो डायरेक्ट आगे मुंतकिल होते हैं। तो जो कि अरबी हमारी जुबान नहीं है, हम नहीं समझते कि जब अल्लाह हमसे बात करता है तो किस मकाम का क्या प्यार है। या अय्युहल इंसान, अल्लाह, या अय्युहल इंसान, मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों से जिस मोहब्बत का अल्लाह ने इजहार किया है इस एक लफ्ज में, या अय्युहल इंसान, ये मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह जमीन पर उतर आया हो और एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा हो क्या कर रहे हो, या अय्युहल इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ओ मेरा बंदा, मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां तो आम है ना, मां बाप को औलादें छोड़ के चली जाती हैं, हमारे यहां तो अभी कम है। जब कभी ऐसा हो जाता तो मैं क्यों जा रहे हो, उस क्यों के अंदर जो दर्द होता है किधर जा रहे हो, उसमें जो दर्द होता है क्या कर रहे हो, उसमें जो दर्द होता है वो एक माँ का है एक बाप का है, इसको अल्लाह से जोड़ो और अल्लाह की शफकत मोहब्बत को लामहदूद करो, फिर इस लफ्ज को समझने की कोशिश करो, या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तूने अपने रब को क्यों छोड़ दिया, तुझे किसने धोखा दे दिया, मैं तेरा रब हूं, तुम्हें किसने धोखा दे दिया, तू क्यों मुझे छोड़ के चला गया। अल्लज़ी खलक़का, मैंने तुम्हें बनाया, फसव्वाका फअदलक, तू रूप तो देख शीशे में खड़े होकर मैंने तुम्हें कैसे बनाया है, मैं तेरे ऊपर जुल्म कर सकता, मां बच्चे पे जुल्म नहीं कर सकती जो खाली एक जरिया है, तो मैं तो अपने हाथों से तुम्हें बनाया है, मैं तेरे ऊपर जुल्म कर सकता, अगर मैं रोकता हूं तो उसके पीछे तेरा नफा है, अगर मैं करने को कहता हूं तो उसके पीछे तेरा नफा है। फ़ऐन तज़हबू, कहां जा रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कहता कहां जा रहे हो, क्या अल्लाह को छोड़कर कहीं पनाह मिल सकती है। तो मेरा रब कहता है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, इसके बिल्मुकाबिल उधर नहीं इधर आओ, किधर, अल्लाह कहता मेरी तरफ आओ, ना कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़ बंदा नवाज। अमेजिंग
अमेजिंग, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस बयान को पेश किया है। और इसमें जो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था ना पेरेंट्स का, कि जब कोई बच्चा उनसे कहीं जाता है या कुछ ऐसा काम करता है जो कि पेरेंट्स को, बिकॉज यू नो बीइंग अ पेरेंट्स, उन लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ नहीं, और किस चीज़ के कुछ बाद में उन लोगों के बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो, तो वो पहले से ही उसे वॉर्न करते हैं। तो जो हमारा क्रिएटर है जिसने हमें बनाया है, तो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इनसे ज़्यादा कुछ आगे अपने लफ्ज़ों में उसे बयान कर सकूं, बट ये बहुत ही खूबसूरत बयान उन्होंने दिया है। और मतलब बहुत इमोशनल बयान है सच्ची, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप इसे पर्सनली सुनो बिल्कुल मतलब आसपास शांति करके सुनना, बिकॉज़ क्या है कि जब आप उसे दिल से सुनोगे ना, आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव है ये बयान। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो, प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।